हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉर्टिंग के एक नए टेक्निक के बारे में। ऑलरेडी सॉर्टिंग की दो वीडियोस हम कर चुके हैं। पहला था हमारा सिलेक्शन सॉर्ट और दूसरा था हमारा बबल सॉर्ट, राइट। सो थर्ड जो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉर्टिंग का टेक्निक, वो है हमारा इंसर्शन सॉर्ट, जिसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहला चीज कि इसका एग्जीक्यूशन पास क्या है, इसका मतलब ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, और दूसरा हम ये देखेंगे कि ये कैसे प्रोग्रामेटिकली जावा में इंप्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना वो ये है कि इंसर्शन सॉर्ट एग्जैक्टली काम कैसे करता है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन पास, राइट। या आप कह सकते हैं कि कैसे वो काम करता है, इसका हमें समझना है तरीका कि इंसर्शन सॉर्ट किस तरीके से अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। क्वेश्चन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो एग्जीक्यूशन पास पूछता है, या तो पूछता है कि इसका तरीका, मतलब इसका प्रोग्राम बताइए, दोनों में से कोई एक चीज पूछता है। तो सबसे पहले सपोज कीजिए हमारे पास एक ए नाम का एरे है, ठीक है, और इस एरे में आप जो है वो सपोज कीजिए कि आप एलिमेंट्स डाल रहे हैं, मान लीजिए 5, 3, 2, 7, 9, 8 और 3, या फिर 3 के अलावा चलिए 3 भी ले लेते हैं और 4। थोड़ा सा काम मेरा पड़ जाएगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो अगर मैं इंडेक्सेस की बात करूं तो ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, आपके पास ये सारे इंडेक्सेस हैं और ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास मौजूद है, अब अगर आपको इंसर्शन सॉर्ट का यूज करके इसे सॉर्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। तो देखिए, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि इंसर्शन सॉर्ट ये कहता है कि जो भी एलिमेंट आप उठाएंगे, मतलब जिस भी एलिमेंट को आप पिक करेंगे, उस एलिमेंट को जब तक उसके प्रॉपर पोजीशन तक नहीं पहुंचाएंगे, आप उसे छोड़ेंगे नहीं। तो फर्स्ट एलिमेंट जहां तक होता है वो ऑलरेडी सॉर्टेड ही है। तो इसीलिए जो हमारा जावा है वो, मतलब हमारा जो इंसर्शन सॉर्ट है वो जो काम करता है वो फर्स्ट इंडेक्स से काम करता है। तो लाइक यहाँ पे आपका होगा, और इस 3 को हम उठाएंगे और 3 को तब तक मूव करते रहेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में जब तक ये छोटा है। तो खुद देखिए क्या 3 जो है, देखिए सबसे पहले हम सेट करेंगे, हमारा लूपिंग स्टार्ट होगा फर्स्ट इंडेक्स से। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही हुआ कि क्या 3, अब 3 को कहीं हम स्टोर कर लेते हैं एग्जीक्यूशन पास, ये सपोज कीजिए हम वैल नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और 3 को स्टोर कर लेते हैं। तो वैल में हमने क्या रख लिया, 3 रख लिया। अब इस 3 को रखने के बाद, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने आई को यहाँ पे लिया है, तो अगर मैंने ये कहा कि आई की वैल्यू को, मतलब ए ऑफ आई की वैल्यू को आप वैल में स्टोर कर दीजिए, इसका रीजन क्या है कि इसको उठा के हम तब तक, मतलब चेकिंग करेंगे जब तक ये छोटा रहेगा। तो चेकिंग क्या होता है कि 3 जो है वो 5 से छोटा है, हाँ है, तो यहां से मैं इसको हटाता हूं, तो 5 को उठा के इसके पोजिशन पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे तो कोई वैल्यू है ही नहीं चेक करने की, तो जब कोई वैल्यू नहीं होती है तो उसी वैल्यू को हम यहाँ रेप्लीकेट कर देते हैं, बाकी सारी चीजें अपने पोजिशन को क्या करती है, मेंटेन करते रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो देखिए उसके बाद फिर से वही काम होगा। अब आपका जो फर्स्ट एलिमेंट, मतलब यहाँ पे आपने कर लिया, अब आपकी किसकी बारी आती है, इस एलिमेंट की बारी आती है। अभी आपने किसको किया था, इसको किया था, अब इसकी बारी आती है। इसको भी हम क्या करेंगे, वैल में स्टोर कर लेंगे अगले लूप में। तो अगला लूप हमारा वैल क्या ले लेगा, 2 ले लेगा। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 2 जो है वो 5 से छोटा है, जी बिल्कुल है, तो इसको उठा के यहाँ डाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, राइट। फिर ये चेक करेंगे कि क्या 2 जो है, यानी जो वैल है वो फिर 3 से भी छोटा है, तो हाँ है, फिर 3 को उठा के यहाँ डाल देंगे। अब तो आगे चेकिंग हो नहीं सकती है, तो यही मेरा 2 का प्रॉपर पोजीशन है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि हम हर बार एलिमेंट्स को उठा रहे हैं और उसको उसके प्रॉपर पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। फिर अब किसकी बारी आती है, 7 की बारी आती है, मतलब यहाँ 7 रह जाएगा, 9, 8, 3 और 4 रह जाएगा। अब यहाँ पे अब 7 को उठाइए, तो वैल भी इस बार क्या आ जाएगा, 7। तो 7 को जब हमने उठाया तो हमने चेक किया कि 7 जो है वो 5 से छोटा है, नहीं 7 तो 5 से छोटा ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने प्रॉपर पोजीशन पे है, कुछ नहीं होगा। फिर आई आगे बढ़ा, मतलब जो भी आप लूप में वेरिएबल लेते हैं वो आगे बढ़ा, चेक करते हैं 9। अब इस बार वैल में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 जो है वो छोटा है 7 से, नहीं है, फिर कोई काम नहीं होगा, सीधे आगे बढ़ेगा। इस बार वैल में क्या डाल देंगे, हम 8 को डाल देंगे। अब चेक करते हैं 8 जो है वो छोटा है 9 से, जी बिल्कुल है, तो 9 को उठा के इस पोजीशन में डाल देंगे। फिर चेक करते हैं क्या जो 8 जो है वो 7 से छोटा है, नहीं 8 जो है 7 से छोटा नहीं है, मतलब 8 का प्रॉपर पोजीशन ये है, बाकी सारे एलिमेंट अपने पोजीशन पे ही रहते हैं, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, मतलब जब तक
हम किसी एलिमेंट को उठाने के बाद उसको उसके प्रॉपर पोजिशन पे नहीं डालते हैं तब तक उसे हम छोड़ते नहीं है। अब बारी आती है थ्री की, ध्यान से देखिए। तो इस वैल में क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो थ्री नाइन से छोटा है, हाँ जी है, तो इस नाइन को उठा के यहाँ डाल दीजिए। फिर थ्री एट से छोटा है, हाँ जी है, तो फिर इस एट को उठा के यहाँ डाल दीजिए। फिर थ्री सेवन से छोटा है, हाँ जी है, तो इस सेवन को उठा के यहाँ डाल दीजिए। फिर थ्री फाइव से छोटा है, हाँ जी है, तो इसको उठा के यहाँ पर डाल दीजिए। सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। और फिर ये थ्री थ्री से छोटा है, नहीं, तो नहीं है, तो मतलब यही इस थ्री का प्रॉपर पोजिशन है और बाकी एलिमेंट में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, तो वो एज इट इज अपने जगह पर मेंटेन रह गया, ठीक है। तो हो क्या रहा है, देखिए हर एलिमेंट आते जा रहा है, उसको हम उसके प्रॉपर पोजिशन पे इंसर्ट करते चले जा रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इंसर्शन शॉर्ट। अब लास्ट एलिमेंट बचता है हमारा फोर, तो इस बार वैल में क्या डाल देते हैं, हम वैल में डाल देते हैं फोर। अब देखिए चेक करिए फिर से कि क्या ना फोर जो है वो नाइन से छोटा है, हाँ जी है, तो नाइन को यहाँ उठा के डाल दीजिए। अब फोर एट से छोटा है, हाँ जी है, तो एट को उठा के यहाँ डाल दीजिए। फोर सेवन से छोटा है, हाँ जी है, तो सेवन को यहाँ डाल दीजिए। फोर फाइव से छोटा है, हाँ जी है, तो यहाँ फाइव को डाल दीजिए। फोर थ्री से छोटा है, नहीं, तो फोर का यही पोजिशन है, बाकी एलिमेंट्स में कोई चेंजेस हुआ ही नहीं, तो एज इट इज रह जाएंगे। अब देखिए जब मैंने लास्ट वाले एलिमेंट तक सारी चेकिंग कर ली और उसके अकॉर्डिंग उसको शिफ्ट कर दिया, तो मेरा जो फाइनल रिजल्टेंट एरे आया, ये क्या आया, बिल्कुल शॉर्टेड आया। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट। इंसर्शन सॉर्ट इसी तरीके से क्या करता है, वर्क को परफॉर्म करता है। तो ये है हमारा एग्जीक्यूशन पास। इसी कॉन्सेप्ट को हम प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे, तो चलिए मुझे बोर्ड को रब करने दीजिए, फिर मैं बताता हूं। तो चलिए प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला लाइन हमारा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इंपोर्ट करते हैं किस चीज को, तो जावा डॉट यूटिल डॉट क्या स्कैनर को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें इनपुट लेना है, ठीक है। इसके बाद हम क्लास लेते हैं, और क्लास में मान लीजिए हम क्लास का नाम ही ले लेते हैं क्या, इंसर्शन शॉर्ट, राइट। हम सॉर्टिंग का वर्क क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अंदर आते ही हम सबसे पहले क्लास लेवल्स के वेरिएबल को मानेंगे, ठीक है। तो क्लास लेवल के वेरिएबल्स को मानने की बात करें, तो हम यहाँ इंटीजर टाइप का सपोज कीजिए एक ए नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, इक्वल टू न्यू इंट 10, यानी कि हम 10 साइज का क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल मतलब एरे बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम अब जैसे ये एरे ले लिया, तो ये एरे हमने क्लास लेवल पे इसलिए माना क्योंकि सारे के सारे फंक्शंस में इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम फंक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए void, और फंक्शन के नाम ले लेते हैं गेट डेटा, यानी कि इनपुट लेने के लिए। तो इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं, चलिए स्कैनर टाइप का एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन, राइट। तो ये हमारा हो गया स्कैनर का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है अगर हमने 10 साइज का एरे लिया है तो हम इसकी लूपिंग लगा के इसमें इनपुट लेंगे। तो फॉर आई इक्वल टू जीरो, तो आई मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप इंटीजर टाइप का एक आई मानेंगे, ठीक है। आई लेस देन क्या 10, अगर साइज 10 है तो आई प्लस प्लस, इसके अंदर हम क्या मैसेज देंगे बार बार, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर नंबर, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, नंबर को एंटर कीजिए, एंटर नंबर, और जो भी यूजर नंबर देगा उसको ए ऑफ आई में क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। तो ए आई ऑफ आई इक्वल टू एस सी डॉट व्हाट नेक्स्ट इंट, और ये लूप 10 बार चलेगा और आपके इनपुट के वर्क को क्या कर लेगा, परफॉर्म कर लेगा। तो ये जो गेट डेटा फंक्शन मैंने लिखा है वो किस लिए होता है, ये हमेशा इनपुट के लिए होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में इसको यूज कर चुके हैं। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो होता है पुट डेटा का। तो हम एक फंक्शन लेते हैं वाइड पुट डेटा, और पुट डेटा क्यों होता है, ताकि हम अपने एलिमेंट्स को क्या कर सके, शो कर सके, कुछ नहीं करना होता है। जैसे यहाँ इंटीजर टाइप का आई माना था, यहाँ पे भी आप इंटीजर टाइप का आई मान लेंगे, और लूप क्या लगा देंगे, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, एलिमेंट को दिखा देंगे कैसे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एल एन, किसको प्रिंट कर देंगे आप, ए ऑफ आई को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, और ये मेरा हो गया पुट डेटा। तो ये किसके लिए हो गया, वॉइड डेटा, पुट डेटा किसके लिए हो गया, तो ये हमारे आउटपुट के लिए हो गया। तो मतलब पहला काम हमने कर लिया, हमने एक एरे माना, उसका इनपुट ले लिया और उसका आउटपुट भी कर दिया, हमें क्या करना है, शॉर्ट भी तो करना है। तो चलिए अगला फंक्शन लेंगे हम, इसका नाम क्या हो गया, वॉइड, और फंक्शन का नाम मान लीजिए हम शॉर्ट ही रखते हैं, और इसके अंदर अब हम करेंगे क्या, शॉर्टिंग का वर्क। तो ध्यान रखिएगा, देखिए
सॉर्टिंग का काम करना है किसका यूज करके, इंसर्शन सॉर्ट का यूज करके। तो इंसर्शन सॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर सपोज कीजिए हमारे पास पांच ही एलिमेंट रहते, ये हमारा मान लीजिए पांच एलिमेंट का एरे रहता, ताकि मैं एग्जीक्यूशन पास आपको शो कर सकूं, 0, 1, 2, दैट इज कॉल्ड ड्राई रन, 3 और 4, 3, 7, 9, 6 और 5 मान लीजिए एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है हम जो सेट करेंगे वो यहाँ पे सेट करेंगे अपने एक वेरिएबल को, ठीक है। तो जो हमारा वेरिएबल सेट होगा वो होगा किस पे, फर्स्ट इंडेक्स पे सेट होगा, और फर्स्ट इंडेक्स से होते हुए लास्ट तक जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक स्पेस वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए छोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने सेमीकोलन डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया, बेसिकली होता है कि मैं जो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ वहां सेमीकोलन भूल जाता हूँ, आप डाल दिया कीजिएगा। तो मैं यहाँ जगह छोड़ता हूँ कहीं वेरिएबल की जरूरत पड़े, और मैं एक लूप लेता हूँ, चलिए मन जो तो पड़ेगी ही पड़ेगी, मैं आई ले लेता हूँ, तो फॉर आई इक्वल टू 1, आपको पता है यहाँ पे हमने क्या क्यों यहाँ पे मन लिया है, क्योंकि हमें यहीं पे यहीं से स्टार्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी शॉर्टेड माना जाता है, और आई लेस देन 10 तक जाएगा, ठीक है। और क्या क्या होगा, आई प्लस प्लस, इसमें आते ही मैंने बताया था आपको हम इस वैल्यू को कहीं स्टोर कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैं एक वैल नाम का वेरिएबल लेता हूं, और वैल में क्या डाल लेता हूं, वैल इक्वल टू ए ऑफ व्हाट, आई। तो इस केस में वैल में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा ए ऑफ आई। अब क्या होता है, अब हमारा प्रोग्राम ये कहता है कि आपको यहां से चेकिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि आप चेक करते हैं कि ये एलिमेंट छोटा है क्या इससे। तो यहाँ पे आपको एक लूप लगेगा, मतलब एक वेरिएबल लेंगे आप, एक जे नाम का वेरिएबल ले लीजिए और उसको सेट कर लीजिए क्या, आई माइनस 1 पे। तो जे कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे लूप एक लगाएंगे, जो लूप होगा नेस्टेड लूप, जब तक कि ध्यान रखिएगा ये वाइल लूप है, और इस वाइल लूप में क्या लॉजिक लगाते हैं, जब तक कि जो वैल वाली वैल्यू है वो छोटी है किससे, ए ऑफ जे से, यानी कि वैल की वैल्यू, तो वैल में कितना है, 7 है, ए ऑफ जे में कितना है, 3 है। तो क्या वैल जो है वो छोटा है ए ऑफ जे से, नहीं है, ठीक है। तो जब ये नहीं है तो कोई वर्क परफॉर्म नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब ये अगर नहीं कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा, कोई वर्क परफॉर्म नहीं होगा, वो क्या होगा मैं आपको अभी बताता हूं। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, सीधे ऊपर चला जाएगा और आई को बढ़ा देगा, ठीक है। तो हमारा जो पैरेंट लूप है, जैसे ही आई बढ़ा तो आई कितना पे आ गया, इस पे आ गया, 2 पे आ गया, 2 इज लेस देन 10 है, जी बिल्कुल है। वैल में ए ऑफ आई चला जाएगा, तो ए ऑफ आई मतलब कितना हो गया, इस बार हमारा 9 हो गया, और फिर से जे जो है वो सेट हो जाएगा कितना पे, आई माइनस 1 पे, तो जे यहाँ पे सेट हो जाएगा। अभी भी चेक करेंगे कि वैल इज लेस देन ए ऑफ जे, तो वैल मींस व्हाट, 9, 9 जो है वो 7 से छोटा है, नहीं है, फिर कोई वर्क परफॉर्म नहीं हुआ, सीधे ये जैसे ही बंद हुआ फिर ऊपर चला गया, ऊपर जाते हैं फिर से आई को इंक्रीज किया, तो इस बार अब क्या होगा, देखिए आई आ जाएगा किसना पे, 3rd इंडेक्स पे, और जैसे ही आई 3rd इंडेक्स पे आएगा इस लाइन के माध्यम से, नेक्स्ट लाइन क्या है, जे इक्वल टू आई माइनस 1, तो जे जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब चेक करता है कि वैल इज लेस देन ए ऑफ जे, तो वैल में क्या है, अच्छा ये स्टेटमेंट तो मैं भूल गया, नहीं ठीक है, वैल में तो कितना है, 6 आना चाहिए ना, क्योंकि वैल ऑफ वैल इक्वल टू ए ऑफ आई लिखा है, तो वैल में आएगा 6, तो और जे कितना है, आई माइनस 1 पे, तो जे तो ठीक है यहाँ पोजिशन पे डाल दिया मैंने। अब चेक करता है कि वैल की जो वैल्यू है वो लेस देन है ए ऑफ जे के, तो वैल में क्या है, देखिए वैल में मेरा कितना है, 6 है, 6 जो है यानी कि लेस देन है 9 के, हाँ जी है। तो हम यहां क्या करते हैं, ए ऑफ जे प्लस 1 में क्या डाल देंगे, ए ऑफ जे को डाल देंगे, और जे को 1 से क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ए ऑफ जे प्लस 1 है, तो जे अगर यहां पे है तो जे प्लस 1 ये होगा, यानी यहां पे ए ऑफ जे डाल दीजिए, मतलब यहाँ पे जो 6 था उसको ओवरराइड कर दीजिए किससे, 9 से, और जे को माइनस माइनस कर दीजिए, तो जे माइनस माइनस होकर यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये लूप है तो फिर ये ऊपर जाएगा, चेक करेगा वैल की वैल्यू लेस देन है ए ऑफ जे के, तो वैल में कितना है, 6, 6 जो है वो लेस देन है ए ऑफ जे, इस बार क्या है, 7 है, तो 6 लेस देन है 7 के, हाँ जी बिल्कुल सही है। फिर से कहेगा एक ऑफ जे प्लस 1 में ए ऑफ जे को डाल दीजिए, तो ए ऑफ जे प्लस 1 मतलब यहाँ पे ए ऑफ जे डाल दीजिए, यहाँ पे क्या डाल दीजिए, 7 डाल दीजिए। फिर जे को माइनस माइनस करेगा, तो जे को क्या कर दिया, यहाँ माइनस माइनस कर दिया। जब जे को इससे माइनस माइनस कर दिया, फिर से ये लूप यहां से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, वैल इज लेस देन ए ऑफ जे, तो देखिए वैल में कितना है, इस बार 3 है, 3 जो है वो लेस देन, मतलब सॉरी वैल में कितना है, 6 है, तो 6 इज लेस देन 3, नहीं, तो जब नहीं है तो यहां से यहां तक का काम खत्म। अब मैं इस लूप को बंद करने से पहले क्या करूंगा, तो मुझे एक काम और करना है, वो ये करना है कि जो ये वैल था मुझे इसे कॉपी करना है, यहां पर डालना है, ठीक है। तो मैं यहां क्या कहूंगा कि ए ऑफ जे प्लस 1 में क्या डाल दीजिए, किसकी वैल्यू को डाल दीजिए, तो वैल डाल दीजिए। तो देखिए अभी जे कितना पे है, 0,
तो 0+1 1 यानी a के वन में क्या डाल दीजिए, वैल डाल दीजिए, तो a के वन में जब वैल डाल देगा तो यहाँ क्या डाल देगा, 6 डाल देगा। तो देखिए 6 अपने प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच गया। हाँ जी बिल्कुल, अपने प्रॉपर पोजीशन पे 6 को पहुंचाया जा चुका है। अब इसमें एक चीज ये भी है कि एक एरर दे सकता है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे सपोज किया जब जे को घटाया, सपोज यहाँ से एक बार और जे किसी वजह से घटता तो जे कितना पे चला आता, -1 पे चला आता, और जैसे ही जे -1 हो जाएगा ये आपको एक एरर दे देगा कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए ये लाइन को थोड़ा सा नीचे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ जे इज इक्वल टू वॉट -1, तो उसी समय क्या कर दो, ब्रेक कर दो लूप को ताकि एरर नहीं आए। और जो अभी स्टेटमेंट हमने लिखा था कि ए के जे प्लस वन में क्या डाल दो, वैल डाल दो, वो स्टेटमेंट हमने लिख दिया। और ये वाइल शुरू हुआ था, वाइल बंद हो गया, ये फॉर शुरू हुआ था, ये फॉर बंद हो गया, और ये शॉर्ट शुरू हुआ था, ये शॉर्ट भी क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अभी जैसे जे यहाँ पे है तो जे जो है वो इक्वल टू -1 के नहीं है तो ब्रेक नहीं इनकाउंटर होगा, और ए के जे प्लस वन में वैल चला जाएगा तो ये 6 जो है वो यहाँ कॉपी हो जाएगा। ये क्यों लिखा गया है, ठीक है, ये लाइन मैंने क्यों लिखा, आखिर इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन ये है कि मान लीजिए जे जो है वो किसी वजह से जो है वो -1 पे चला जाए, ठीक है, जैसे फर्स्ट इंस्टेंस में ही ये -1 पे चला जाएगा। कैसे, नहीं फर्स्ट इंस्टेंस पे नहीं जाएगा, इनकेस चलिए मैं इसको एरे को ना चेंज करता हूँ, फिर वो चीज आपको समझाता हूँ। हालांकि अभी एक चीज ये समझ लीजिए कि ये वाला एरे कैसे काम करेगा। तो इसको काम करने के लिए जैसे ही हुआ ये यहां से कहां जाएगा, सीधे अब ऊपर जाएगा, आई को बढ़ाएगा, लास्ट बार चल रहा है वैल में ए ऑफ आई चला जाएगा, तो वैल में क्या चला जाएगा, ए ऑफ आई मतलब 5 चला जाएगा, ठीक है, और फिर जे में क्या चला जाएगा, आई माइनस वन, तो जे जो है वो कहां सेट हो जाएगा, आई माइनस वन पे सेट हो जाएगा। तो जे आ गया आपका यहां पे। अब जब जे आ गया है यहां पे तो क्या होगा, तो जब तक वैल छोटा है ए ऑफ जे से, वैल में कितना है 5 छोटा है 9 से, जी बिल्कुल है, तो क्या करता है ए ऑफ जे प्लस वन में ए ऑफ जे डाल दीजिए, यानी कि इसको उठाइए और यहाँ डाल दीजिए, तो 9 यहाँ आ गया और जे को माइनस माइनस कर दीजिए, जे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया। फिर ये चेक करता है जे -1 है, नहीं जे तो कितना है, अभी 2 है, तो ब्रेक नहीं होगा। फिर ये लूप जो है वो यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, वैल इज लेस देन ए ऑफ जे, 5 इज लेस देन 7, बिल्कुल है, कहता है ए प्लस जे, ए के जे प्लस वन में ए का जे डाल दीजिए, तो फिर यहाँ से इसको उठाया और यहाँ पे क्या डाल दिया, इसने 7 डाल दिया, ठीक है। फिर जे को माइनस माइनस किया तो जे यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, यहां आ गया, ठीक है। फिर चेक करता है कि वैल इज लेस देन ए ऑफ जे, 5 इज लेस देन 6, जी बिल्कुल है, कहता है ए ऑफ जे प्लस 1 में ए ऑफ जे डाल दीजिए, यानी कि यहां से 7 को हटाइए और यहां 6 डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है, जे माइनस माइनस कीजिए, तो जे माइनस वन यहां पे आ गया। फिर चेक करता है जे जो है -1 है, नहीं जे तो 0 है, तो ये लूप, ये ब्रेक इनकाउंटर होगा नहीं, फिर ये यहां सीधे ऊपर चला जाएगा। वैल इज लेस देन ए ऑफ जे, 5 इज लेस देन 3, नहीं, जब नहीं है तो यहां से लेके यहां तक का लूप टर्मिनेट हो गया, और कहता है ए के जे प्लस वन में वैल डाल दीजिए, तो जे अगर यहाँ पे है तो जे प्लस वन ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ये क्या कहता है डालने के लिए वैल को, तो यहाँ क्या डाल दीजिए, 5 को डाल दीजिए, डाल दिया। उसके बाद अब ये लूप जब आगे बढ़ेगा, तो अगर ये लेसन 5 होता, क्योंकि हमने 5 का ही एरे माना है, तो ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, यहां से लेके यहां तक का काम खत्म, फिर ये सॉर्ट वाला भी फंक्शन क्या हो गया, बंद हो गया। तब तक देखिए मेरा एलिमेंट क्या हो चुका है, सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है। अब एक क्वेश्चन है, ये कब एनकाउंटर होगा वैल इक्वल टू -1, तो इसके एनकाउंटर होने के लिए थोड़ा सा मुझे एरे में, चलिए मैं एक नया एरे मान लेता हूं, ये है मेरा एक नया एरे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 3 2 5, टोटल नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, आपको बस ये बताता हूं कि देखिए ये आई कितना पे सेट हो गया, 1 पे, तो 0 1 2 3 4, तो आई यहां पे सेट हो गया, ध्यान समझिएगा, वैल में चला गया ए ऑफ आई, तो वैल में चला गया 2, ठीक है, वैल इज लेस देन ए ऑफ, सॉरी, और जे को कितना सेट कर दिए, आई माइनस 1 पे, तो जे आ गया यहाँ पे, वैल इज लेस देन ए ऑफ जे, वैल में कितना है 2 इज लेस देन 3, बिल्कुल है, कहता है ए के जे प्लस 1 में ए का जे डाल दो, तो जे यहाँ पे है तो जे प्लस 1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या डाल दो, 3 डाल दो, तो यहाँ पे हमने 3 को डाल दिया, कहता है जे माइनस माइनस को, तो जैसे जे माइनस माइनस होगा ना, जे तो अभी 0 पे है, तो 1 से कम होगा तो कितना पहुंच जाएगा, -1 पे पहुंच जाएगा। तो अब क्या होगा, अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे ना, इफ जे इक्वल टू -1, और ये ऊपर जाके जब ये चेक करेगा, ठीक है, तो ये कहेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, क्योंकि -1 इंडेक्स है ही नहीं,
इसीलिए हमने यहाँ पर जबरदस्ती लूप को तोड़ दिया कि अगर जे माइनस वन है तो ब्रेक कर दो, तो जे माइनस वन यहाँ है तो लूप को ब्रेक कर दो, तो यहां से लेके यहां तक अपने आप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, आगे कोई काम होगा ही नहीं क्योंकि आगे ये कंडीशन चेक ही नहीं होगी। तो ये जो एरर बताता है एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स वो आएगा ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे आएगा ए के जे प्लस वन में वैल डाल दो। तो ए का जे अगर माइनस वन है तो माइनस वन और प्लस वन कितना हो जाएगा जीरो, यानी ए के जीरो में वैल को डाल दो, मतलब यहाँ पे क्या डाल दो, टू को डाल दो। तो इस कंडीशन के लिए हमने ये लाइन क्या किया है, मेंटेन किया है। तो ये तो हमारा हो गया, हमने प्रोग्राम लिख लिया, किसी चीज के लिए फंक्शन लिख लिया, तो हमने फंक्शन बहुत सारी चीजों के लिए लिख लिया, एक इनपुट के लिए लिख लिया, एक इसके लिए लिख लिया आउटपुट के लिए, और एक लिख लिया हमने शॉर्ट करने के लिए। लेकिन हमने फंक्शन को तो अभी तक तो कॉल ही नहीं किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर आप चाहें तो जैसा कि हमारा क्लास शुरू है, तो हमने यहाँ क्लास को ही मान लिया, हम बंद कर देते, एक नया क्लास आप चाहें तो बना सकते हैं। बहुत लोग इसी में पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, मतलब ये क्लास बंद नहीं करते हैं और इसी के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में शुरू कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यूजुअली एक नया क्लास ले लेता हूँ, आप चाहें तो इसी क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक क्लास लेता हूँ, क्लास का नाम डेमो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है ना, इन ब्रैकेट स्ट्रिंग ए आर जी एस राइट स्ट्रिंग आर्ग्स। अब इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किसका, तो इंसर्शन शॉर्ट का। तो मैं यहां लिखूंगा इंसर्शन शॉर्ट, इंसर्शन अंडरस्कोर शॉर्ट टाइप का डबल ए इक्वल टू न्यू। देखिए मैं उधर नहीं जा रहा कि पता नहीं स्क्रीन पे आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। इसीलिए आप यहां देखिए कि इंसर्शन शॉर्ट टाइप का आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब आप डबल ए के जरिए किसको कॉल करेंगे, गेट डेटा को। तो जैसे ही आप गेट डेटा को कॉल करेंगे क्या होगा, तो इनपुट हो जाएगा, ठीक है। गेट डेटा से क्या हो गया, मेरा इनपुट हो गया, और यहाँ पे एक मैसेज दिखा दीजिए। देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अनसॉर्टेड एरे इज अनसॉर्टेड एरे, मतलब एक मैसेज हो गया। और तब यहाँ पे दिखा दीजिए डबल ए डॉट क्या पुट डेटा राइट। तो मतलब जैसा एरे आपने लिया था वैसा एरे आपने शो कर दिया। उसके बाद डबल ए के जरिए शॉर्ट फंक्शन को कॉल कर दीजिए। तो जब शॉर्ट फंक्शन को कॉल कर दीजिएगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और एरे हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के बाद फिर से मैसेज दिखा दीजिए सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन शॉर्टेड एरे, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हुआ, मैंने दोनों तरीके का दिखा दिया कि जब अनसॉर्टेड था तब क्या था और जब शॉर्टेड है तो डबल ए के जरिए आपने किसको कॉल कर लिया, पुट डेटा को कॉल कर लिया। बस ये बंद कर दिया आपने मेन और ये बंद कर दिया आपने क्लास, ठीक है। अब सारी चीजें आपके सामने है, ये रहा मेरा टोटल फुल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम क्या होगा, तो हमारा जो ये मेन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वो किस क्लास के अंदर है, डेमो के अंदर है। इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम क्या होगा, डेमो डॉट जावा। ये आपका प्रोग्राम है इन केस आप जब उस क्लास को बंद कर देते हैं, एक नया क्लास बनाते हैं और उसके अंदर सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ये फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड केस में अगर फर्स्ट केस में प्रोग्राम का नाम क्या हो जाएगा, डेमो डॉट जावा राइट। सेकेंड केस में अगर आप इस क्लास को बंद नहीं करते हैं और इसी क्लास में आगे बढ़ते हैं तो आपको यहां से नया क्लास स्टार्ट नहीं करना होगा, बल्कि डायरेक्टली आप यहां पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद होगा और फिर यहां जो क्लास खुला था वो यहां बंद होगा। इस केस में हमारे प्रोग्राम का नाम होगा इंसर्शन अंडरस्कोर शॉर्ट डॉट जावा। तो ये है सारी कहानी इंसर्शन शॉर्ट के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।